प्यारे दोस्तों, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये यूक्रेन का कीव है, कैपिटल। इतने सुंदर इमारत, इतने शांत वातावरण। कभी यहाँ अमन चैन हुआ करती थी, अभी भय कि कितना जल्दी से जल्दी यहाँ रसा हमला करके कीव को कब्जे में कर लेगा। ये सुबह होने का एक दृश्य देख रहे हैं आप, ये लाइव दृश्य है। हम तो बहुत परेशान हैं भाई, क्योंकि पूरी धरती ही मेरा परिवार है। यूक्रेन के हर नागरिक, बहन और भाई मेरे परिवार के सदस्य हैं। यहाँ का एक पत्ता भी अगर जलता है तो मेरा दिल जलता है। यहाँ एक माता, बहन, भाई, बेटे जब रोते हैं तो मेरे आँखों में आंसू आती है। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे देश धू-धू के जल रहा है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होके जेलेंस्की जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का, अमेरिका और यूरोपीय देशों के भड़काव में आके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती देने के लिए तैयार है। अहंकारी जेलेंस्की को मैं इसका जिम्मेदार समझता हूँ। जेलेंस्की नेटो का सदस्य बनना चाह रहा है, 30 सदस्य ऑलरेडी हैं, यह 31वां बनना चाहता है, और इसीलिए कि वो रूस को धमका के उस पर अपने आप को हावी करने की कोशिश कर रहा है। अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, तो जो यूरोपीय यूनियन है, ईयू का सदस्य बना है और नेटो बनने के लिए 2008 से ही कोशिश में लगा हुआ है। प्यारे दोस्तों, इन लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, ये पतित हो चुके हैं, घृणा और नफरत की आग में जल रहे हैं। इनमें भावना नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल है अहंकार, रावण का, कंस का, दुर्योधन का। और जिस व्यक्ति में भी इस तरह के अहंकार आ जाते हैं, जो न्याय के रास्ते नहीं चल के विरोध के रास्ते चलते हैं, ईर्ष्या द्वेष के रास्ते चलते हैं, तो फिर कुरुक्षेत्र की लड़ाई होती है, सर्वनाश तो स्वाभाविक ही है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका जिसका वायदन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, यूरोप के हर देशों में जो नेटो के सदस्य हैं, वहाँ अमेरिका ने अपने युद्ध के सैनिकों को स्थापित किया हुआ है, वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉलेशन किया हुआ है। अब बाइडेन चाहता है कि यूक्रेन में भी रूस के बोर्डर